अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यदि आप कुवैत में रहते हो तो दोस्तों कुवैत की बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ आपको मैं देने वाला हूँ, क्योंकि फैमिली वीज़ा को लेकर बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ कुवैत हुकूमत की तरफ से अनाउंसमेंट की गई है। खबर क्या है? ग्रीन लाइट ऑफ फॉर फैमिली वीज़ा, होप फॉर ओपनिंग कुवैत टू एक्सपर्ट। साथियों, बहुत सारे भाइयों का लगातार मुझसे कमेंट में ये सवाल होता था, भाई फैमिली वीज़ा के बारे में सिर्फ बताते हो आप, चालू होगा पर कब होगा इसके बारे में आप नहीं बताते थे। पर भाई, इस वीडियो में क्लियरली मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से दोस्तों ग्रीन लाइट दे दिया गया है एक्सपर्ट लोगों के लिए, जिनको फैमिली वीज़ा बहुत ही जल्दी दोस्तों इशू कर दिया जाएगा। तो खबर को दोस्तों यहाँ पर पढ़ भी सकते हो, जहाँ पर लिखा हुआ है ग्रीन लाइट फॉर फैमिली वीज़ा, होप फॉर ओपनिंग कुवैत टू एक्सपर्ट, यानी कुवैत में प्रवासियों को लेकर दोस्तों फैमिली वीज़ा स्टार्ट करने का दोस्तों निर्णय ले लिया गया है। पर दोस्तों फैमिली वीज़ा भी किनको दिया जाएगा ये आप जान लीजिए। तो मिनिस्ट्री के तरफ से ये कहा गया है कि वो एक्सपर्ट जो मेडिकल स्टाफ हैं और हेल्थ मिनिस्ट्री में जो लोग काम करते हैं, उन लोगों को ही दोस्तों फैमिली वीज़ा भी देने की दोस्तों मांग को पूरी की गई है, बाकी और किसी भी वर्कर को नहीं दिया जाएगा। तो जो भी भाई लोग, आप लोग यदि मिनिस्ट्री हेल्थ के सेक्टर में काम करते हो, जैसे कि आप लोग डॉक्टर हो, नर्स हो या मेडिकल स्टाफ हो, किसी भी सेक्टर में दोस्तों आप लोग काम करते हो मेडिकल स्टाफ मेडिकल सेक्टर में, तो उन लोगों को आप लोगों को वहाँ पे आने के अपने फैमिली मेम्बर की लाने की इजाज़त होगी, अपने बीवी को, अपने बच्चों को। पर उसमें भी दोस्तों कुछ शर्तें रखी गई हैं। उसमें शर्त ये होगा कि यदि आपका बच्चा लड़का है तो 15 साल से यदि आपका कम है तो ही आप ला सकते हैं, यदि आपकी बच्ची है 18 साल से कम है तो ही आप ला सकते हैं। जो नियम दोस्तों लागू किया गया है कुवैत मिनिस्ट्री की तरफ से, तो आज नहीं तो कल दोस्तों एक हफ्ते में, डेढ़ हफ्ते के अंदर आप लोगों को फैमिली वीज़ा निकालने की इजाज़त मिल जाएगी। तो जो भी भाई लोग, आप लोग लगातार इसके इंतज़ार कर रहे थे, आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है। दोस्तों अगली जो खबर आ रही है बहुत ही बुरी खबर है, बहुत ही बड़ी बैड न्यूज़ है। अब साथियों बैड न्यूज़ मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत ही बड़ी दुर्घटना कुवैत में हो गया है, और इंडियन वर्कर को आपको सुन के ये काफ़ी ज़्यादा दोस्तों शौक होने वाले हो। दोस्तों वीडियो के सामने जिनके आप फोटो देख रहे हैं, जो चारों बंदे की फ़ोटो आपको दिखाई दे रहा है, ये इंडिया का रहने वाला था जो कि कुवैत में रहता था, जॉब वगैरह वहाँ पर नौकरी वगैरह वो लोग करते थे, किसी काम से सऊदी अरेबिया गए हुए थे। सऊदी अरेबिया के रियाद शहर में एक गाड़ी के टक्कर की वजह से, यानी कोलाइजन की वजह से उनकी कार में टक्कर हुई एक ट्रेलर से, जिसके वजह से पूरी फैमिली की वहीं पे मौत हो गई, इस वर्कर के भी, दोनों बच्चे के भी और उनकी पत्नी की भी। तो दोस्तों सबसे भी इसमें अफसोस की बात यह है कि दोनों बच्चे बहुत ही छोटे थे, जैसे कि वीडियो के स्क्रीन पर दोस्तों आप देख सकते हो। तो फिलहाल दोस्तों ये कुवैत हुकूमत की तरफ से भी ऑफिशियली ट्वीट कर दिया गया है कि इनको चारों की मौत की पुष्टि की जा चुकी है। इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से भी दोस्तों इसकी वहाँ पे खबर मिल चुकी है, और सऊदी अरेबिया हुकूमत की तरफ से बताया गया कि ये घटना घटी है हफना तुएक जो हाईवे है वहाँ की, दोस्तों एक घटना है सऊदी अरेबिया के रियाद शहर में एक टेलर और इनकी कार के बीच में टक्कर हुई, जिसके वजह से दोस्तों बहुत ही बड़ी दुर्घटना हुई और इन सभी फैमिली मेम्बर्स की मौत हो चुकी है। तो साथियों ये बहुत ही बड़ी दुर्घटना थी, इसलिए मैं आपको ये खबर को सुना रहा हूँ। अगली खबर की ओर साथियों चलते हैं। अगली खबर दोस्तों जो आ रही साथियों, ओवर 1 मिलियन टेक बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट। भाइयों आप लोगों को मैंने ये भी बताया था कि कुवैत में मिनिस्ट्री की तरफ से ये कहा गया है कि कुवैत में आप सभी को फिंगरप्रिंट देना पड़ेगा, ताकि उनकी पूरी डाटा जो है कुवैत हुकूमत के पास रहे, चाहे वो कुवैती नागरिक हो, गल्फ के सिटीजन हो जो कुवैत में रह रहे हो, उन लोगों को। तो साथियों ये फिंगरप्रिंट लेने का जो सिलसिला है वो 12 मई से स्टार्ट हुआ था कुवैत में, जो उन सभी सिटीजन को, रेसिडेंट्स को और गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल कंट्री को सभी को देना था। तो ये दोस्तों काम काफी तेजी से चल रहा था, जैसे कि फोटोज में आप देख सकते हो। तो कुवैत में साथियों अब तक वहां पे 1 मिलियन, यानी मान के चलिए कि 10 लाख लोगों का फिंगरप्रिंट वहाँ पे लिया जा चुका है मई से लेकर अगस्त तक। तो काफ़ी दोस्तों तेज काम हो रही है, जिसके वजह से ये ऑफिशियली बताया गया। तो दोस्तों ये कुछ खबरें थी, कुछ अपडेट्स थी जो कि कुवैत से आ रही थी, मैंने अब तक शेयर किया। मिलता हूँ साथियों नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।